दोस्तों यदि आप भी विराट कोहली और रोहित की जोड़ी को पसंद करते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया को मिली शर्मनाक शिकस्त तो ग्लेन मैक्सवेल ने हार का ठीकरा भारत पर फोड़ दिया। जी हां, अपनी टीम का खराब प्रदर्शन मैक्सवेल पचा नहीं पाए और उन्होंने अपना सारा गुस्सा भारत पर उतारते हुए एक ऐसा बेबुनियाद बयान दे दिया जिसे सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। तो आखिरकार ऐसा क्या कह दिया ग्लेन मैक्सवेल ने जो सोशल मीडिया पर सैलाब ला रहा है, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित, राहुल और कोहली में से कौन होगा इस विश्व कप में सबसे अधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों T20 विश्व कप की इतनी खतरनाक शुरुआत की उम्मीद तो किसी ने नहीं की थी, जहां डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच महामुकाबले में एक ऐसा पलटवार हुआ जिसने ऑस्ट्रेलिया को हिला कर रख दिया। और आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने डेवॉन कॉनवे के नाबाद 92 रनों की ऐतिहासिक पारी के दम पर 200 रनों का विशाल स्कोर और स्कोर बोर्ड पर टांग दिया, जिसका जवाब ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों के पास मौजूद ही नहीं था। जी हां, बैटिंग करने उतरे कंगारू बल्लेबाज तो मिशेल सैंटनर की फिरकी, टिम साउदी की लहराती हुई गेंदों और कुछ इस कदर इन चीजों में फंसे कि वो मैच ही गवा बैठे, बल्कि इस विश्व कप को डिफेंड करने की अपनी मजबूत दावेदारी भी उन्होंने गवा दी है। जी हां, सभी को हैरान करते हुए न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरीके से रौंद दिया और जिसके बाद ग्लेन मैक्सवेल को बुरी तरह से मिर्ची लग गई और उन्होंने अपनी हार का कारण भारत को बताते हुए एक विवादित बयान दे दिया। दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल ने अपने बयान में कहा है कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी टीम ने खराब प्रदर्शन किया, बल्कि न्यूजीलैंड का खेमा आज हमसे बेहतर था, आज उनका दिन था, इस कारण से हम ये मैच हार गए, लेकिन इससे कोई भी टीम हमें कमजोर समझने की गलती ना करे, हम वही टीम है जिसने विश्व कप पर अपना कब्जा जमाया है, लेकिन आज की हमारी हार की बड़ी वजह भारत है। हमारा वर्ल्ड कप से पहले रिदम काफी बेहतरीन चल रहा था, लेकिन जिस दिन से हमने भारतीय टीम से मैच खेला है उस दिन से हमारे बल्लेबाजों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला हुआ है, और जिस तरीके से शमी ने अचानक से हमारे खिलाफ वापसी की है वैसा तो आज तक नहीं हुआ था, जहां हम पल भर में पूरा मैच हार गए और पूरा मैच पलट गया जिसकी उम्मीद हमें नहीं थी, और IPL खेलना भी इसकी सबसे बड़ी वजह है, जहां भारत में काफी लंबा समय बिताना हमारे लिए मुसीबत बनता जा रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के विशालकाय मैदान पर रोहित, सूर्या और हार्दिक में से कौन सबसे अधिक छक्के लगाएगा? इस बात का जवाब नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।